ये बहुत पहले की बात है। एक जंगल में सारे जानवर मिलकर आजाद रहा करते थे। ऐसे में इस जंगल में एक बूढ़ा शेर आया। वह अपनी मर्जी से जानवरों को खाने लगा। इससे परेशान होकर सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया और शेर खान के पास चले गए। शेर खान के पास खरगोश ने बोला कि शेर खान, हमने एक निर्णय लिया कि रोज़ एक जानवर आपकी भूख मिटाने के लिए आया करेगा। और शेर खान ने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो खरगोश ने बोला कि शेर खान, अगर आप ऐसे ही हमारा शिकार करते रहे तो जंगल के सारे जानवर एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो शेर खान मान गया। ऐसे रोज़ एक जानवर शेर खान के पास उसकी भूख मिटाने के लिए जाने लगा। एक दिन फिर खरगोश की बारी आई। खरगोश जानबूझकर देरी करने लगा और दिए हुए समय पर ना पहुंचा। जब शेर के पास पहुंचा तो शेर खान बहुत ही गुस्से में एक तो तेरे को खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी और दूसरा इतना लेट आया है। तो खरगोश ने बोला, नहीं शेर खान, मेरे साथ तो एक जानवर और भी आया था, लेकिन रास्ते में एक और शेर खान ने उसको खा लिया और मैं उधर से भागकर भाग आया। तो शेर ने बोला, मेरे से बलवान कौन हो सकता है, तू मुझे उसके पास लेकर चल। तो खरगोश ने बोला, ठीक है शेर खान, मैं आपको उसके पास लेकर जाता हूँ। तो खरगोश शेर खान को एक कुएं के पास लेके चला गया। खरगोश ने शेर खान को बोला कि शेर खान, इसके अंदर वही शेर रहता है जिसने आपका भोजन खाया है। और शेर खान कुएं के पास गया और उसने अपनी परछाई को देखा और कुएं में कूद गया और डूब कर मर गया। और खरगोश ने अपनी चतुराई से सभी जंगल के जानवरों की जान को बचा लिया और सभी हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने लग पड़े।